सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर रिपब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम क्या था आपका? जीके प्लैनेट। और इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। टर्म 2 हमने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका चैप्टर नंबर 33 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 34, जो की है पेज नंबर 48 पर। देखिये चैप्टर नंबर 34 का नेम क्या है हमारा? फार्मर्स फ्रेंड। क्या नेम है? फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर के जो दोस्त होते हैं। क्लियर? तो इसमें लिखा हुआ है, Some insects and worms perform valuable function like pollination of flower, maintenance of soil, fertility, pest control, etc. These insects are called farmer's friend. कह रहे हैं कि कुछ insects ऐसे होते हैं जो कि farmers के लिए बहुत ही एक valuable functions clear वो क्या करते हैं, perform करते हैं, जैसे कि pollination of flower. Pollination क्या होता है बच्चों? कि जो plants reproduce करते हैं उसकी एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। मींस एक प्लांट दूसरे प्लांट, मींस एक प्लांट रहता है उससे दूसरा प्लांट उसी तरीके का कैसे उगेगा, सीड को ट्रांसफर करना रहता है ना, तो वो एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉलिनेशन होता है। ये आप बड़ी क्लास में आके समझोगे। मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी है ना, उपजाऊ सॉइल बना के रखते हैं ताकि जो फार्मर्स रहते हैं उनको मींस बहुत अच्छी खेती हो उनकी। क्लियर? पेस्ट को कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये इंसेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फार्मर्स की लाइफ में। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्लांट, हर इंसेक्ट जो रहता है कि वो फार्मर का फ्रेंड ही हो, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि फार्मर के क्या रहते हैं, उनके लिए फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए वो फार्मर्स के फ्रेंड कहलाते हैं। क्लियर? अब डिस्क्रिप्शन में कुछ हमारे लिए क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नेम हमें फाइंड करना है इंसेक्ट का, कुछ डिस्क्रिप्शन इंसेक्ट के बारे में कुछ हमें बताया गया है। ठीक है, और एनसर्कल करना है इसमें से हमें। क्लियर? इनके डायग्राम्स भी बने हुए हैं। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है, दीज आर द नेचुरल प्रेडिएटर्स ऑफ अनवांटेड इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड द बग इन द गार्डन। दे वेरी इन कलर, सम आर ऑरेंज विदाउट ब्लैक स्पॉट्स एंड सम आर रेड विद स्पॉट्स, रेड वाइट विद स्टॉक। तो ये क्या करते हैं, ये नेचुरल प्रेडिएटर्स हैं अनवांटेड इंसेक्ट्स के लिए, या पेट्स के लिए, या बग्स के लिए, है ना। और ये अलग अलग कलर के होते हैं ये वाले इंसेक्ट्स, कुछ ऑरेंज कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के, ऑरेंज कलर के होते हैं, और उनपे किस तरीके का ब्लैक स्पॉट होता है ना, और कुछ रेड स्पॉट भी होता है। तो इनका जो नेम है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसका बच्चों जो नेम है हमारा वो है लेडी बग। क्या नेम है? लेडी बग। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है बच्चों, तो चलो मैं फाइंड आउट करता हूँ। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो आपको अगर दिख रहा हो तो आप भी बताना मुझे। यहाँ पे है देखो, LADYBUG। क्लियर? एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये पूरा मैंने सर्कल कर दिया। क्लियर? फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में देखो क्या लिखा है, दीज वॉर्म्स टर्न द डेड लीव एंड ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच वॉर्म कास्टिंग। तो ये जो वॉर्म रहते हैं ना, ये डेड लीव्स को और ऑर्गेनिक मैटर को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? तो ये सेकंड का जो आंसर है वो है अर्थ वॉर्म। क्या नाम है इनका? अर्थ वॉर्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेलिंग भी, ERTHWORM। अर्थवॉर्म, तो यहाँ पे देख लो जरा कहाँ पर लिखा है अर्थवॉर्म। तो अगर मैं बताऊं, देखो पहली लाइन में अर्थवॉर्म। क्लियर? तो इसको भी मैं सर्कल कर देता हूँ, ये गया लाइन, ऐसे करके हमने सर्कल भी कर दिया इसको। थर्ड पे आ जाते हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट फॉर फूड प्रोडक्शन, अराउंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन डिपेंड ऑन पॉलिनेशन बाय दीज इंसेक्ट। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है फूड प्रोडक्शन के लिए, है ना। और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फूड जो रहता है ना प्रोड्यूस होता है, और पॉलिनेशन होती है इन्हीं इंसेक्ट्स की वजह से। तो थर्ड का जो अर्थ हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हनी बी। क्या हो जाएगा? हनी बी। तो मैं यहाँ पे पहले आंसर लिख देता हूँ, HONEY, हनी BEE। क्लियर? तो सोचो अब यहाँ पे कहाँ पर लिखा है हनी बी, सोचो ये लिखा है, देखो मेरे को दिख गया, HONEY BEE। क्लियर? तो इसको भी हम सर्कल कर देते हैं ऐसे, ये आया हमारा हनी बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोर्थ में, दीज इंसेक्ट फीड ऑन कैबेज वॉर्म, पोटैटो बैटल्स, कॉर्न अर्थ वॉर्म एंड स्मॉल स्लग्स, हिंस दे कंट्रोल पेस्ट। ओके, तो इसका जो फोर्थ का जो आंसर है हमारा,
वो हो जाएगा हमारा ग्राउंड बीटल। कौन है ग्राउंड बीटल, तो मैं इसको लिख देता हूँ, स्पेलिंग है इसकी जी आर ओ यू एन डी, जी आर ओ यू एन डी बी डबल ई टी एल ई, ग्राउंड बीटल। तो यहाँ पे सर्च करो सॉरी सोचो कहाँ पर है, कहाँ पर है इसका, तो यहाँ पे देखे तो देखो ग्राउंड बीटल या बीटल। तो ये हमने इसको ऐसे लेकर के आए है ना, ई तक करना है हमें इसको। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर किसका, फोर्थ वाले पार्ट का है ना। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में लिखा है दीज इंसेक्ट डू नॉट गो आफ्टर अ पेस्ट लाइक लेडी बग डू, बट दे प्रेफर टू सिट ऑन द एम्बर स्टेम, दे लाइक टू ईट सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट। कह रहे हैं कि सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट को खाना इनको पसंद है। तो फिफ्थ है प्रेइंग मैंटिड, क्या नाम है इनका, देखो मैं लिख देता हूँ पी आर ए वाई आई एन जी, प्रेइंग एम ए एन टी आई डी, एम ए एन टी आई डी। अब देखो यहाँ पे कहाँ पर लिखा है प्रेइंग मैंटिड, पी से देखो मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ दिख गया पी आर ए वाई आई एन जी एम ए एन टी आई डी, क्लियर। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका, फिफ्थ वाले पार्ट का, ये मैंने पूरा सर्कल कर दिया, क्लियर। सिक्स्थ पे आ जाते हैं, सिक्स्थ में देखो क्या लिखा है बच्चों, दीज इंसेक्ट ईट मॉस्किटोज हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मॉस्किटिक लार्वा एंड अदर इंसेक्ट। तो ये तो बहुत अच्छे हैं कि मॉस्किटो को ही खा लेते हैं ये तो है ना, और मॉस्किटो के लार्वा को खा लेते हैं तो हमें मलेरिया नहीं होगा। दीज देयर प्रेजेंस ऑल्सो इंडिकेट फ्रेश वाटर एज दे ले एग नियर द वाटर, और कह रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस जो रहती है ना वो सुनिश्चित करती है कि साफ पानी है वहां पे, क्योंकि ये अपने एग नियर पानी के साइड में देते हैं। तो सिक्स्थ का जो आंसर है वो है ड्रैगन फ्लाई, क्या हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई, डी आर ए जी ओ एन ड्रैगन एफ एन वाई, ठीक है। तो देखो अच्छा ड्रैगन फ्लाई कहाँ पर लिखा हुआ है, ड्रैगन फ्लाई एफ एल वाई फ्लाई तो मुझे दिख गया, ड्रैगन नहीं दिख रहा, लेकिन ड्रैगन 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 ये मैं फाइंड करता हूँ, एक काम करता हूँ। तो देखो मुझे दिख गया ड्रैगन फ्लाई, अगर आपको दिखा हो तो आप बताओ, ये लास्ट में छुप के बैठा था ड्रैगन फ्लाई, क्लियर। तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ डी आर ए जी ओ एन एफ एल वाई, ये आ गया हमारा आंसर किसका, सिक्स्थ का। सेवन्थ पे आ जाते हैं, सेवन्थ में देखो क्या लिखा है, इंसेक्ट हैव अ डिस्टिंक्ट येलो एंड ब्लैक कलर का होता है इंसेक्ट, एडल्ट फीड ऑन नेक्टर एज दे गो अराउंड अ पॉलिनेशन फ्लावर। तो सेवन्थ का जो आंसर है बच्चों ये है हमारा क्या, हूवर फ्लाई, कौन है हूवर फ्लाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ पहले स्पेलिंग एच ओ वी ई आर एफ एल वाई, इसको फाइंड आउट करो कहाँ पर हूवर फ्लाई, क्लियर। इधर पे मुझे फ्लाई दिखाता, देखो फ्लाई तो दिख रहा है लेकिन ऊबर नहीं दिखा मुझे यहाँ पे, तो फाइंड आउट करते हैं, आप भी सोचो कहाँ पर है। तो दिखा क्या आपको, तो मुझे दिख गया है, देखो ये सबसे लास्ट में है ना एच ओ वी आर एफ एल वाई, सबसे नीचे रहते हैं, सबसे साइड में रहते हैं, तो हमारी नजर भी सबसे लास्ट में ही वहां पर पहुंचती है, तो ओवर फ्लाई है ना। तो ये आ गया हमारा सेवेंथ का आंसर, एट का देखते हैं, इंसेक्ट स्कैटर्ड ग्लोइंग लाइट एट नाइट है ना, ये स्कैटर्ड करता है लाइट को नाइट में, एट द लार्वा स्टेज दे आर कार्निवोर, ओके लार्वा स्टेज पे ये कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर वो होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं या फिर इंसेक्ट्स को खाते हैं, दे ईट सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट दैट लिव ऑन द ग्राउंड, ओके। और ये सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट को खा लेते हैं जो कि ग्राउंड पर रहते हैं सच एज स्लग वर्म्स और अदर लार्वा है ना। तो ये जो एट्थ का आंसर है ये है फायर फ्लाई, क्या नाम है एफ आई आर ई एफ एल वाई, फिर से देखो ये फायर फ्लाई कहाँ पर है अगर आपको दिख रही हो तो हाँ एट लास्ट मिली है ये वाला फ्लाई वाला है ना, ये है फायर फ्लाई। तो इसको हम क्या कर देते हैं सर्कल कर देते हैं, ये हमने किया सर्कल। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा ये चैप्टर भी क्या कंप्लीट, एट पार्ट ही थे तो हमने पूरे एट पार्ट क्या कर चुके हैं कंप्लीट। तो अगर पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पूरा बुक की सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, क्लियर। तो बने रहिए साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।